हेलो दोस्तों, आज हम आपको यात्रा करवाने ले चल रहे हैं देवभूमि ऋषिकेश की पवित्र यात्रा के वृत्तांत की ओर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप भारत के किसी भी कोने से ऋषिकेश की यदि यात्रा करना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड के दो स्थान हैं, एक तो हरिद्वार और एक देहरादून। यहाँ पर आपको ट्रेन की संपूर्ण व्यवस्था है, आप बाय रेल मार्ग के भी आप यात्रा कर सकते हो और साथ ही साथ आप सड़क माध्यम से भी आप अपनी यात्राएं कर सकते हो। तो आपके लिए मैं बेटर विकल्प बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर बाय ट्रेन के आइए, आपको ज़्यादा कॉस्टली भी यात्रा नहीं पड़ेगी और आप हरिद्वार जहाँ पर आप हर की पौड़ी के दर्शन करके और वहाँ से मात्र ये हरिद्वार से मात्र ये 22-23 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित ये पवित्र स्थल हैं, जिसकी हम आपको देखिए, हम जिन घने जंगलों से निकल करके आए हैं आपको काफ़ी मनोरम दृश्य लगेगा। यहाँ पर यहाँ के जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं आपको इनकी ओर आकर्षित किए हुए, और इस पूरी यात्रा में आपको एक खुशनुमा एक ऐसा माहौल आपको मिलेगा कि ये जो उत्तर भारत हैं यहाँ के, इस यात्रा को आप लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाओगे। तो इस देवभूमि में आपका स्वागत है। आपको यदि इस यात्रा में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उत्तराखंड प्रशासन आपको पूरी पूरी उस समस्या समाधान के लिए तत्पर रहता है। और यहाँ पर इन हिमालय के घनों जंगलों में स्थित ये ऋषिकेश और यहाँ पर गंगा का वह मनोरम दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। हम आपको उसी ओर ले चल रहे हैं। देखिए आप, आपके काफ़ी जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये वन विभाग के अधीन आने वाली जगह हैं, जहाँ पर ये काफ़ी सुंदर सुंदर शहर बसे हुए हैं। ऋषिकेश जो कि हिमालय की उन पहाड़ियों के बीच में स्थित हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं, और ये जो हम आपको यात्राएं करवा रहे हैं ये देखिए आप कितने सुनहरे सड़क माध्यम हैं। और यहाँ आपको केवल ऋषिकेश जाने के लिए आपको ट्रेन की सुविधा नहीं है, हरिद्वार से या देहरादून से आप बाई सड़क के अपनी स्वयं की व्हीकल से आ सकते हो। ये देखिए गंगा का वो पवित्र स्थल, गंगा का वो सुंदर नज़ारा जो अपने आप को अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं। और हमने यहाँ पर काफ़ी समय तक, लगभग 4-5 घंटे तक हमारी पूरी जो यात्रा थी एक दिन की, वह यहीं की थी। हम हरिद्वार नाइट स्टे किया था हमने गायत्री भवन पर, आप भी वहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और हमारे लिए निःशुल्क था पूरे की पूरी जो वहाँ नाइट स्टे था। पहाड़िया से प्रवाहित होने वाली नमामि गंगे, गंगा का ये खूबसूरत नज़ारा है और इस खूबसूरत नज़ारे को हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पास में आप देख पा रहे हो, ये हिमालय की बड़ी बड़ी जो पहाड़ हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये राम झूला है। राम झूला काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी खूबसूरत है, और ये गंगा का व्यू और साथ ही साथ में एडवेंचर, इसमें बोटिंग का भी आप आनंद ले सकते हो और घूम सकते हो। यहाँ पर आप गंगा का जो प्रवाह से तरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, और सावधानी के साथ में कोशिश रहे कि आप सेफ्टी का ध्यान रखें। और ये जो गंगा है इसमें केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है नमामि गंगे, जिसके अधीन गंगा में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाए, साथ ही साथ में किसी भी प्रकार के अवांछनीय पदार्थों को नहीं डाले, ये पूरा प्रयास केंद्र सरकार का है। गंगा का पानी शुद्ध रहे और साफ रहे, ये प्रयास सभी का रहे। हेलो दोस्तों, आज हम हैं राम झूला उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध स्थान ऋषिकेश। ऋषिकेश में राम झूला का ये वह पवित्र स्थान है,
जहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और एक धार्मिक स्थान होने के नाते ये लोगों के दिलो दिमाग में एक पवित्र स्थान है। और इस झूले में यहाँ पर आप ऋषिकेश में आप कैंपिंग भी कर सकते हो, नाइट स्टे आप उन घने जंगलों के बीच में भी रह सकते हो, और वहाँ कुछ संस्थाएं हैं जो आपको इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ में आप इस ऋषिकेश स्थान पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हो। यहाँ पर खूब सारी प्राइवेट बोट्स आपको मिल जाएगी, और जहाँ पर आप इस गंगा के स्वादिष्ट और इस सुनहरे पानी को आप अपने हाथों से निहार सकते हो, अपने स्पर्श कर सकते हो। आप इन बोट में के माध्यम से आप उस रिवर को आप क्रॉस कर सकते हो। जैसे कि देखिए कितनी सुनहरी यहाँ पर बोट आपको लग रही हैं, और ये जो पास में आपको दिखाई दे रहा है ये दो झूले हैं यहाँ पर, एक तो राम झूला है और एक लक्ष्मण झूले हैं, और इनसे आप इनके माध्यम से भी आप इसको इस नदी को पार कर सकते हो आप, और बाय बोट के माध्यम से। बोट का वैसे ज़्यादा किराया नहीं लगेगा आपको, 15-20 रुपए में आपको ये एक दूसरे छोर को आप पार करवा देते हैं ये। और आप प्राइवेट भी यहाँ पर आप कोई बोट ले सकते हो, और देखिए रिवर राफ्टिंग भी आप कर सकते हो। रिवर राफ्टिंग का भी आपको सुंदर और अच्छा विकल्प आपको यहाँ पर मिलेगा ऋषिकेश में, और साथ ही साथ में आप जंपिंग भी की आप को भी आगे यहाँ पर तो नहीं है, परंतु इसमें थोड़े से हम आगे की ओर चलेंगे तो वहाँ पर आपको जंपिंग की भी सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। तो ये जो गंगा नदी है यहाँ से इन पहाड़ियों से निकल करके और ये समतल की ओर प्रवाहित होने वाली जगह है। ऋषिकेश से ही गंगा जो है वह पहाड़ियों से निकल करके और समतल मैदानों की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ से आपको इस गंगा का आपको एक काफ़ी सुंदर और एक जो पानी शीतल जो पानी है वो आपको आप महसूस कर सकते हो। और देखिए काफ़ी अच्छा ऋषिकेश का नज़ारा है, जहाँ पर शाम के टाइम पर श्रद्धालुओं और यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उनके माध्यम से एक बहुत बड़े आरती का आयोजन भी किया जाता है, और काफ़ी अच्छी जगह आपको प्रतीत होगी, आपको काफ़ी इन्जॉय आएगा। आप लगभग यहाँ का दो या तीन दिन का आप स्टे रख सकते हो, जिनमें एक दिन आपका हरिद्वार हो सकता है, दूसरा दिन आपका ऋषिकेश हो सकता है, तीसरा आपका देहरादून, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर मनाली का भी आनंद ले सकते हो, सॉरी मसूरी का भी आप आनंद ले सकते हो। मसूरी जो कि देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर है। और देखिए ये जो झूले हैं इन झूलों में आप व्हीकल जो हैं टू व्हीलर के माध्यम से भी आप इसको क्रॉस कर सकते हो, और देखिए यहाँ पर पैदल यात्रा के माध्यम से भी आप चल सकते हो इसमें, और नदी को इस गंगा को देखने का आपको अद्भुत अनुभव आपको मिलेगा। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, काफ़ी प्रकृति प्रेमी यहाँ पर आकर के हिमालय के सुंदर सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा, साथ में ही उनके बीच से प्रवाहित होने वाली इस सुंदरतम रिवर भारत की सबसे बड़ी नदी को भी आप देखने को आपको शुभ अवसर मिलेगा। ये दूसरा वाला झूला है, यहाँ पर दो झूले हैं, काफ़ी प्रसिद्ध झूले हैं दोनों, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और साथ में आपको यहाँ का जो बाज़ार है, यहाँ से बाज़ार से यदि कोई निशानी के रूप में या आपकी यात्रा को जीवित रखने के लिए यदि आप कोई भी वस्तु आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी स्टॉल्स काफ़ी शॉप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वैसे छोटे मॉल्स भी हैं यहाँ पर, बड़े मॉल्स नहीं हैं, तो वहाँ से आप कुछ वस्तुएँ यादगार के रूप में ले सकते हो। तो देवभूमि ऋषिकेश में आपका स्वागत है। आप ऋषिकेश के साथ साथ में 3-4 स्थानों की आप यात्राएं कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पहले बताया है कि हरिद्वार यहाँ से 22-23 किलोमीटर हैं, और हरिद्वार से हमारी जो पहली यात्रा होनी चाहिए हरिद्वार से ऋषिकेश,
और ऋषिकेश से आप देहरादून जाइए, देहरादून को विजिट करके और उसके बाद में आप मसूरी की यात्रा कीजिए। तो मसूरी क्या एक दिन की यात्रा आपकी हो रहनी चाहिए, क्योंकि मसूरी भी काफ़ी बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पर आपको काफ़ी देखने को मिलता है। और वहाँ की जो जिस प्रकार से जो घाटियों में से हम गुजरते हैं, देखिए ये गंगा का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। देखिए बहुत बड़े बड़े मंदिर भी हैं यहाँ पर, और ये झूलता हुआ पुल, काफ़ी हवा में झूलता हुआ पुल काफ़ी खूबसूरत प्रतीत होता है। और इसके दोनों छोर पर बाजार हैं, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आपका यहाँ का प्रशासन स्वागत करता है। देखिए और रिवर राफ्टिंग का भी आप यहाँ लुत्फ़ उठा सकते हो, जैसे कि हमने भी देखा है यहाँ पर काफ़ी लोग थे जो कि रिवर राफ्टिंग के माध्यम से काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और लगभग लोग 8-10 दिन की यात्रा रखते हैं, परंतु आपके लिए बताना चाहेंगे ज़्यादा कॉस्टली यात्राएं नहीं है ये। यहाँ पर आप कहीं रहना भी चाहेंगे तो ज़्यादा रूम किराया भी आपको नहीं मिलेगा, सस्ते में आपकी यात्रा हो जाएगी। परंतु पूरे मैनेजमेंट के साथ में यदि हम चलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं होती हैं, कोई भी परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ता है। तो आप जाइए, वैसे यहाँ पर गर्मी का मौसम काफ़ी अच्छा होता है घूमने के लिए, और लगभग आप जनवरी फरवरी के टाइम पे भी आना चाहें तो, परंतु वहाँ पर क्या है कि स्नोफॉल्स की समस्याएं रहती हैं, ज़्यादा ठंड रहती हैं मसूरी में। तो इसलिए कोशिश ये करें कि मार्च अप्रैल के बाद में, मई जून में आप इस यात्रा को कर सकते हो, और वैसे आप सितंबर अक्टूबर में कर सकते हो। देखिए आप रिवर राफ्टिंग का नज़ारा तो काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं यहाँ पर। और हर वर्ष यहाँ पर यात्रा करने के लिए ऐसी इच्छा होती है, जब आप एक बार यात्रा करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हर वर्ष यहाँ पर आना चाहिए, और एक मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और एक नई ऊर्जा का, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो आपको आना चाहिए। देखिए दूसरी तरफ ये जो मार्केट है, दोनों तरफ मार्केट है, यहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हो आप। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत, इस साइड में आपको ज़्यादा मॉल्स, छोटे मॉल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी विदेशी पर्यटक भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये पुरातन जो संपदा है, जो भी पुरातन जो, तो यहाँ पर आपको रुकने के लिए भी अच्छी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, जगह छोटी है यहाँ पर। यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है ऋषिकेश में, और परंतु यदि आप देहरादून रुकना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। काफ़ी बहुत बड़ा शहर है देहरादून भी, वहाँ भी आप रुक सकते हो। तो आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको अवश्य आना चाहिए ऋषिकेश, और आप लाइफ टाइम इस जगह को नहीं भूल पाओगे आप, और इच्छा रहेगी आप प्रतिवर्ष यहाँ पर आप आने की आप कोशिश करेंगे। देखिए विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आपको काफ़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पर्यटक जो होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, वो किसी देश के नहीं होते हैं, पूरा विश्व उनके लिए अपना परिवार होता है। तो सभी की इच्छाएं होती हैं कि हम प्रकृति के साथ में रह करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यहाँ पर आपको काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी आपको देखने को मिलेगी, और जो हिमालय की वस्तुएं हैं, जो कीमती वस्तुएं हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, साथ में परचेज भी कर सकते हो। और हैंडीक्राफ्ट्स का भी आप यहाँ पर उनको परचेज करके और एक निशाने के रूप में आप अपने घर पे रख सकते हो। और जिस प्रकार से देखिए काफ़ी विदेशी पर्यटक अपने छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पर आते हैं, और इस प्रकार से काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा कि हमारी यात्रा थी काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुखदायक यात्रा रही हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप सही मैनेजमेंट के साथ में आते हैं। तो थैंक यू।